बारिश में इतना ज़्यादा हेयर फॉल होता है कि हेयर फॉल से बचने के लिए बहुत सारी रेमेडीज़ ट्राई करनी पड़ती है। तरह तरह का हेयर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेयर फॉल से बचाने की याद में कैसे रेमेडी लेके आए हैं, तो चलिए देखते हैं क्या रेमेडी। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने कोकोनट ऑयल लिया हुआ है। आप कोकोनट ऑयल की जगह ऑलिव ऑयल ले सकते हैं या इसकी जगह पे आप सरसों का ऑयल भी ले सकते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल आप ले सकते हैं। ऑलिव ऑयल अगर आप ले रहे हैं तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा आपको। तो चलिए इसके साथ हमने एक अनियन लिया हुआ है, इसको भी हम कट कर लेते हैं। अनियन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके हेयर के लिए। इसमें सल्फर होता है जो आपके हेयर के ड्राइनेस को ख़त्म करता है और हेयर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो चलिए अनियन को कट कर लेते हैं। सबसे पहले आप जो डेली घर में अनियन यूज़ होता है वही अनियन लीजिए जो आपके किचन में अवेलेबल होता है। तो अनियन को कट करके इसके पार्ट को अलग कर लेंगे हम। तो हाफ अनियन यूज़ करेंगे क्योंकि हम कम क्वांटिटी में बनाने वाले हैं रेमेडीज़ को जो आपके हेयर फॉल को एकदम कम कर देगा। तो इसको अच्छे से कट कर लीजिए अनियन को, और बहुत महीन पीस में काटेंगे। आप जो है तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, पर पेस्ट बना के तेल में अगर पकाना है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। और इसको क्या है कि ऐसे आप इसका आपको रस ही चाहिए तो इसका रस निकाल के हम इसको बाहर निकाल देंगे, और बाद में इसको आप सब्ज़ी में भी चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑलिव ऑयल में इसको बना रहे हैं या फिर कोकोनट ऑयल बना रहे हैं फिर भी आप सब्ज़ी में भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसको बारीक पीसेस में कट कर लेते हैं हम। अब चाहें तो चॉपर की हेल्प से भी चॉप कर सकते हैं इसको। तो इसको बारीक चॉप कर लीजिए। ये बहुत सारे आपके हेयर प्रॉब्लम कम करता है। अगर आप ये रेमेडी नहीं ट्राई करते, आपको डायरेक्ट अनियन लगाना आपको पसंद है, आप लगा सकते हो। तो डायरेक्ट अनियन लगाओ, वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो चलिए ये रेमेडी बनाते हैं। तो प्याज को हम कट कर लेते हैं बारीक पीसेस में। आप जितना बारीक कट कर पाइए उतना बारीक करिए। प्याज से हेयर रिग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस मैंने प्याज को कट कर लिया है। इतना ही प्याज चाहिए क्योंकि मैं कम बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बना रहे हो तो उस हिसाब से आप प्याज की क्वांटिटी भी बढ़ा लीजिएगा। तो इसे हम लोहे की कढ़ाई में पकाएंगे। ध्यान रखिए आप किसी भी कढ़ाई में पका सकते हैं, लेकिन अगर लोहे की कढ़ाई है तो उससे आपके बालों को आयरन मिलेगा। आप लोहे की कढ़ाई में ऑयल पकाइए और सब्ज़ी पका के खाइए, दोनों तरफ से आयरन लीजिए। आपके बालों के लिए हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए मैं कोकोनट ऑयल ले लेती हूँ, और ये मैं थोड़ा बना रही हूँ। एक पर्सन के लिए बना रही हूँ, एक दिन के लिए बना रही हूँ, तो मैं बहुत थोड़ा ले रही हूँ। अगर आप ज़्यादा पर्सन के लिए बना रहे हो, 5-6 लोगों के लिए बना रहे हो, तो कम से कम 2 से 1.5 टेबल नरियल ऑयल ले सकते हैं। और उसी में अनियन डाल देंगे हम। याद रखिएगा लोहे की कढ़ाई हमेशा मोटी लीजिएगा ताकि हम लो फ्लेम में पकाएं या हाई फ्लेम में पकाएं, ये जले नहीं, तेल हमारा जले नहीं। तो गैस में मैंने रख दिया है, ये देखिए पकने लगा है थोड़ा थोड़ा करके। इसे हम 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे, इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और इसे पकाने के बाद हम इसको छान लेंगे। तो चलिए इसको पकाते हैं हम। तो ये मीडियम टू लो फ्लेम पे हम पका रहे हैं, हाई फ्लेम नहीं करा है मैंने क्योंकि मैं थोड़ा बना रही हूँ। तो इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ये नहीं कि हम बस पकाते जाए पकाते जाएँ, इसका एक लिमिट है पकाने का। अगर आपको थोड़ा कम लग रहा है ये पका हुआ है तो आप 5 मिनट और पका सकते हो, लेकिन लो फ्लेम पे। तो बस इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, लगभग 50% पक गया। 5 मिनट से और पकाएंगे, 5 मिनट मैंने पकाया हुआ, लगभग टोटल 10 मिनट का टाइम लग रहा है इसमें। अब इसको पका लेते हैं। आप चाहें तो इसको बना के रख भी सकते हैं, ये ऐसा ऑयल है। अगर आप लेकिन बना के रख रहे हो ज़्यादा दिन के लिए तो इसको धूप में आप दिखाते रहो या फिर कुछ दिन बाद इसको गर्म कर लिया करो, क्योंकि अनियन में जो होता है वो पानी होता है, और पानी क्या करता है आपके तेल को ख़राब कर देता है। तो जहाँ तक हो सके आप तुरंत बनाइए और तुरंत लगाइए उसी दिन, ज़्यादा दिन तक बना के ना रखिए। लेकिन अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप इसको बना के स्टोर अगर कर रहे हैं तो इसको आप या तो धूप दिखाते रहिए, सबसे अच्छा है। अगर धूप नहीं दिखा पा रहे हैं तो आप इसको हफ्ते में 2 दिन कम से कम इसको गर्म कर लिया करिए। इससे क्या होगा कि अनियन का जो पानी कम होता रहेगा और आपका तेल हमेशा शुद्ध होता रहेगा। तो चलिए ये बन गया, इसको गैस बंद कर देते हैं, इसे ठंडा होने देते हैं। अब चलते हैं इसको छान लेते हैं। तो इसको एक बॉल में छान लेते हैं, ये देखिए पूरा ठंडा हो चुका है, बिल्कुल भी गर्म नहीं है। ठंडा होने के बाद इसको छानिएगा। तो इसको छान के अनियन अलग कर लेंगे और तेल अपना अलग निकाल लेंगे। तो बस इसको छानना बहुत आसान है। मैं सिर्फ एक पर्सन के लिए बनाई हूँ इसलिए मैंने थोड़ा बनाया हुआ है। इसको इसी तरीके से बनाना, अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में इसको बना सकते हैं। तो बस इसको छान लिया मैंने, इसमें और कुछ भी नहीं डालेंगे हम। अब जो बचे हुआ प्याज है उसको आप सब्ज़ी में इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसे मैंने नारियल ऑयल में बनाया है। आप चाहे तो ऑलिव ऑयल में बना सकते हैं, किसी में बनाइए, ये आपके हेयर प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देगा। तो चलिए अब इसको छान लेते हैं, इसे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये छान लिया है अच्छे से, इसको निचोड़ लेते हैं ताकि जो अनियन में थोड़ा बहुत ऑयल बच गया है वो भी निकल जाए। अनियन से भी ऑयल निकल गया है, अब दिखाते हैं कि ऑयल कैसा दिख रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा देखिए अनियन का भी स्मेल नहीं आएगा, क्योंकि अनियन को भी हमने पका लिया है। अगर आप कच्चा अनियन यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा स्मेल करता है। तो चलिए अब इसको हेयर पर अप्लाई कर लेते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए इतनी है और एक पर्सन के लिए सफिशियंट है। तो अब इसको हेयर पर अप्लाई करते हैं। इसको आप हफ्ते में कम से कम 3 दिन लगाइए। अगर 3 दिन नहीं टाइम है तो आप 2 दिन लगा सकते हैं, और अगर आपके पास कम टाइम तो आप 1 घंटे भी, जब आप भी आप बाल धुलने जा रहे हो तो 1 घंटे लगाओ इसको बाल पे, और उसके बाद हेयर वॉश कर लो। अगर आप ओवर नाइट भी लगा के रखना चाहो तो भी लगा के रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं हेयर वॉश करके बैठी हूँ, और देखिए ये मेरे हेयर कितने हेल्दी हैं, और ये मेरे हेयर की लेंथ देखिए कितने हेल्दी बाल हैं मेरे। तो अगर आप ये रेमेडी ट्राई कर रहे हो तो आपके बाल बहुत हेल्दी होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी पसंद है तो मेरे चैनल को प्लीज़ जल्दी लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।